हेलो दोस्तों, जिन्होंने पी एस टी सी एल के अंदर जो वैकेंसियां आईया सी एल डी सी दियां लाइनमैन दियां जां होर ही असिस्टेंट वगैरह दियां आईया सी, जिन्होंने अप्लाई किया सी उन्हां दी आंसर की जारी हो गई ने, तो वो अपनी आंसर की चैक कर सकते हैं। किस तरह चैक कर सकते हो आप देखांगे इस वीडियो च। तुसीं गूगल से सिंपल सर्च करना पी एस टी सी एल, उस तो बाद पहली लिंक पर क्लिक कर देना, तुसीं उस तो बाद लिंक ओपन हो जूगा जी। उस तो बाद तुसी देख रहे हो कि जिन्होंने 11 नंबर पोस्ट में भरिया 11 नंबर से भरनगे, जिन्हें एल डी सी जां होर के भरिया सी वो 10 नंबर पर क्लिक करनगे, जिहड़ा नोटिफिकेशन आ रहा जी। इस तो बाद इदा ऑप्शन खुल जाएगी, वेख ले सकते हो कि जिन्होंने 11 नंबर पोस्टा में चढ़िया आईया सी उन्हां जी अप्लाई किया सी, वो अपने आंसर की देख सकते हैं। जिन्होंने एल डी सी अप्लाई किया होया सी जां होर रेवेन्यू अकाउंट वगैरह उन्होंने वो 10 नंबर सी आ रहे 10 नंबर चैक करे आंसर की अपनी, तो इतने क्लिक कर देना जी। तुम इस तो बाद अपनी आई डी सर्च करनी तो लिखनी आ जी ताकि हैगी कई पासवर्ड वगैरह नंबर नहीं याद होगा, तो जीमेल जी भरी होगी उस नंबर होगा जहाँ तक टैक्स मैसेज भी आएगा। उस तो बाद अपना पासवर्ड भर देना जी। उस तो बाद सर्च कर देना, उस तो बाद इदा आजूगा जी। उस तो बाद क्वेश्चन पेपर से आ जाना वा ऑब्जेक्टिव से, जब जो रिजल्ट आऊगा तो तुम्हें दस देना कि तेरे किन्ने नंबर है सारा कुछ, ठीक है जी। उस तो बाद क्वेश्चन पेपर जो आऊगा तो तुम इतने क्लिक कर दोगे जी, ताकि आंसर की आजगी तुम देख सकते हो आंसर की ताकि हैगी आपके नंबर जोड़े सही हो गए, जी तुम टिक लाई होगी वो इतने चूज नंबर आ जाएगा कि तुम कि क्वेश्चन नंबर चूज किया, ठीक है जी। तो आंसर वह कि वा ठीक है, जोड़ा तुम आंसर किया होगा आंसर आ जाना, जो छेडा वो कुछ नहीं आऊगा स्टेटस साडा नहीं आऊगा। तो बाकी जोड़ा उत्तर दस देना टिके साइड दसी कि सही है जी, तो तुम अपना आंसर देख सकते हो कि तुम कि चूज किया, तो तुम मिला सकते हो जोड़ा किन्ने नंबर ते बनते हैं, तो अपनी तुम देख सकते हो ते किन्ने नंबर आ रहे किन्नी ताकि कट ऑफ जा रही है, तो अपनी देख सकते हो जी। तो बाकी किसी गल का ना पता लगे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दियो जी।